रेगुलर बच्चों का जो ट्रीटमेंट यहाँ रहकर हो रहा है उनसे हम बात कर रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को लेकर आ रहे हैं। जी कहाँ से हैं? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से? तो बच्ची बच्ची है, बच्चा है? बच्ची है, लड़की। बच्ची है। अच्छा, सीपी है, ये कब पता चला? ये मेरे को एक साल में पता चला। एक कि साल? हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर पहले बोले कि कैल्शियम की कमी, खून की कमी बताते थे। अच्छा। ऐसे चलाते रहे इलाज, फिर हमें बोला किसी ने कि वहाँ चेक करो, फिर इसको बोला कि इसका वो करो, फिर हमने देखा कि इसको सीपी की दिक्कत है। कितनी उम्र हो गई अभी बच्ची? इसको 2 साल हो गई है। 2 साल की हो गई। तो यहाँ आप कब आए? आए कब? मेरे को 2 मंथ हुए अभी यहाँ पर। 2 महीने। इससे पहले कहीं ट्रीटमेंट लिया? नहीं, यही लिया पहले। सीधा यही? चलिए, बहुत बढ़िया। छोटी उम्र में आ गए तो डॉक्टर क्या कहते हैं? ठीक हो जल्दी हो जाएगा कह रहे, बोले कि 6-7 महीने में ठीक हो जाएगा। अब तो है, मतलब बहुत फर्क है इसमें। पहले क्या था, अब 2 महीने में आपको क्या फर्क महसूस हुआ? ये तो पहले बोलती नहीं थी, मतलब ना ही बैठती थी। अच्छा, ना ये खड़ी लेटी रहती थी। अब खुद से बैठने लग गई, मतलब थोड़ा वैसे खड़ी करती हूँ तो खड़ी हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। देखिए, ये मानते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते भी हैं कि जो बच्चे हैं ना, जितनी छोटी उम्र में आए उतना सीपी का ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। तो अभी ये तो एकदम वीडियो ही देख के आए होंगे। हाँ जी, वीडियो ही देखा था हमने ना। समय से देख लिया। देखो, ये बात होती है समय पे देखने की। अच्छा, आपको जैसे इसको ट्रीटमेंट देते हुए एक पेशेंस रखना होता है। हाँ, बच्चे पेरेंट्स को तो बहुत ज्यादा, मतलब डॉक्टर से ज्यादा खुद को रखना। हाँ जी, बहुत लगता ही है थोड़ा बहुत डर की अब तो ठीक होगा, पर ये है कि माँ को तो रखना पड़ेगा कि हाँ, तो नहीं रखेंगे तो बच्चा नहीं होगा ठीक, तो रहेंगे कि टाइम बीतता ही जाता है। हाँ, ये लगेगा टाइम बीतता जाएगा, अपना करेंगे बच्चों को तो थोड़ा बहुत, अपन खुद लगेंगे तो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, सही बात है। तो और जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे आपकी? आपको तो मैं ये मानता हूँ कि इतनी छोटी उम्र में आप बच्ची को ले आए हो तो बहुत जल्दी होने की संभावना है ही, तो क्या कहेंगे और पेरेंट्स? मतलब जब बच्चे को पता चलता है कि सीपी की दिक्कत है, चाहो कितने साल का बच्चा, तो यहाँ करते हैं कि जल्दी आना पड़ेगा तो जल्दी ठीक होगा बच्चा, जो लेट करेंगे तो लेट होएगा। हाँ, लेट होगा, सही बात है। तो आप जैसे फर्स्ट डे आपको पता चला, पता चलते ही क्या आपने वीडियो पहले देख ही रखा था? नहीं, देखा नहीं। हमने जब पता चला तभी देखा हमने यूट्यूब पे ना सर्च करके, जब ही देख के हमने बोला कि चलो यहाँ जाके आते हैं, तो फिर इसके पापा बोले कि चलो जाके आते हैं। तो अभी आप यहीं रह रहे? यहीं रह रही हूँ। पेरेंट्स और भी रह रहे होंगे? हाँ जी। कैसा माहौल है? अच्छा है, ठीक है, ठीक रहते, मतलब ठीक है सब यहाँ पर। हाँ, बोलते सब, हेल्प करते हैं सब, ठीक रहते हैं मतलब। बस यही बातें मुझे जाननी होती हैं, और बच्ची छोटी सी है तो मुझे बड़ी आशा है कि हाँ और जल्दी स्पीड से ठीक होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम उन बच्चों से बात करें जो यहाँ पर लंबे समय तक रहकर आरोग्य में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बच्ची आस्था है, ये तो दूर से ही मुझे पहचान की, बड़ी हंसती हुई आ रही थी। तो देखिए, अब बैलेंस बनाते हुए आ रही है, कितने साल हुए हैं थोड़ा परिचय दोबारा ले लेते हैं। जी कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से क्या नाम है? कृष्णा यादव जी। तो कृष्णा जी, जो बच्ची है ये कितने साल से आप, जो आपको पता चला कि सीपी है और ट्रीटमेंट लेना है? ये जब 1 साल की थी, मतलब एक छोटी थी तभी, नेक होल्डिंग नहीं बिल्कुल थी इसके अंदर, बैठती भी नहीं थी जैसे। तो आप मेरे यहाँ पर कुछ लोगों ने ये बताया कि कुछ बच्चे लेट करते ये काम, और कुछ ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, तो ऐसे होते होते 1 साल हो गया इसका। 1 साल के बाद इसका मैंने MRI करवाया, तो उसमें बताया इसकी माइंड की नसें ब्लॉक बताएं, तो तब से इसका ट्रीटमेंट मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, तो अभी जैसे आपको यहाँ का कैसे पता चला? और कितने? मैंने आपका वीडियो देखा वीडियो था। हाँ जी। कब आए थे आप? मैं आए 1 साल होने वाला है यहाँ पर। 1 साल? हाँ जी। अच्छा। उसके पहले मैं ऑनलाइन ले रही थी। ऑनलाइन? हाँ जी। अच्छा, तो 1 साल में आपको क्या प्रोग्रेस लग रहा है? इसमें बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ। मैं यहाँ पर आई तो सिर्फ बैठती थी, वो भी ढंग से नहीं बैठ पाती थी, गिरने का डर रहता था। हाँ, और जहाँ देर तक नहीं बैठ सकती थी। अच्छा। हाँ, कमर में दर्द बोलने लगती थी। अब तो पूरा इसमें प्रोग्रेस है, मतलब यहाँ के सब कुछ, इसने यहाँ चलने भी लगी है, सब कुछ यहीं आगे किया है। हाँ, और समझती है बात? हाँ, सब समझती, बोलती है। हाँ, और अच्छा, बोलने में इम्प्रूव हुआ यहाँ पर आके। सीढ़ियाँ, हाँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ती उतरती, साइकिल भी बहुत अच्छे से चलाती है। अच्छा। सब कुछ करती है, चलने भी लगी। तो यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है, आपका टाइम कितना रहता है, कैसे आप कैसे सहायता करते हैं बच्ची को? मेरे 2 बच्चे हैं, ये बेटा और मेरी ये बहन का बेटा है, मैं रखती हूँ यहाँ पर। तो इसको सुबह 1 घंटा पहले ये आ जाते हैं यहाँ पर इसको लेके, तो कुछ एक्टिविटी करवा दे, तब तक मैं भी फ्री होके इस बच्चे को लेके आ जाती हूँ। अच्छा। फिर पॉइंट वगैरह जो कुछ भी होता करवाते हैं। कितनी देर ट्रीटमेंट चलता है? 3-4 घंटे तक चलता है। 3-4 घंटे? और बाकी का टाइम जो है आप यहाँ रूम लेके रहते होंगे? हाँ, रूम लेके रहते हैं। वहाँ भी कोई प्रैक्टिस? हाँ, अंकल जी बोलते, घर पे करवाने के लिए करते, प्रैक्टिस करवाते हैं।
तो अभी एक साल का आपका प्रोग्रेस और पिछले 7 साल, अभी कितने साल की होगी? 7 साल। 7 साल, तो पीछे 6 साल का जो टाइम है उसमें आपको क्या एक मन की खुशी, एक मन का आपको लगता है हाँ बच्ची अब प्रोग्रेस? मैं तो 6 साल के पीछे तो कुछ भी नहीं हुआ, बस जो कुछ प्रोग्रेस हुई है यहाँ की हुई है। एक साल में हो गई। तो अब आगे आपको और क्या होप है कि मतलब और कितना ठीक हो सकती है आप? बस अब तो ठीक ही है, इसमें प्रैक्टिस करवाने की और जरूरत है, इसमें बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ बस ये मैं सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ कि पेरेंट्स को मोटिवेशन होना चाहिए खुद को कि हाँ नहीं हम ठीक करेंगे, तब ये ठीक होगा ही बच्चा। तो आप अपने आप को होप कैसे देते हैं कि नहीं मैं अब ठीक कर लूँगी, एक होप होती है? अब तो मुझे अंदर से हो रहा है, पूरा उम्मीद है कि अब तो चल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हाँ तो सीपी चाइल्ड का, अच्छा आपको ये तो किसी ने कहा होगा कहीं इलाज है या नहीं है, किसी ने बताया? हाँ जब इसका MRI करवाया था तभी बताया डॉक्टर ने कि इसका ट्रीटमेंट, मुझे ये नहीं बताया कि CP चल रही है। अच्छा, तो CP के बारे में मुझे पता भी नहीं था, जब मैंने आपका वीडियो देखा उसी में पता चला कि ऐसे बच्चों को CP बोलते हैं ये। तो देखिए ये बात 6 साल की थी तब पता चला आपको या उससे पहले पता चल गया? ना उससे पहले आपका वीडियो देखा तभी, हाँ तभी पता चल गया। ये खुशी होती है, वरना क्या है बच्ची का पता ही नहीं चलता कि CP है, और वीडियो देख के कम से कम माताओं को सब ये पता तो चले कि हाँ मेरी बच्ची CP है, फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए हमें अच्छी खुशी लगी कि हाँ अपनी बात किसी तक पहुँची, तो बहुत बढ़िया। कुछ बोलेगी बेटी? कुछ बोलोगे? चलिए तो देखिए बच्चे शर्मीले होते हैं, तो चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। अगर पेरेंट्स को कोई बात कहना चाहें तो? मैं तो ये कहना चाहती हूँ अगर किसी के बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आए, पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट ले तो 100% रिजल्ट मिलेगा उसको। हाँ बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। CP चाइल्ड बच्चों की बात हम कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी बातें बता रहे हैं। ये बच्चा है, क्या नाम है, कहाँ से हैं, हम बात करते, क्या नाम है? रायन। रायन जी कहाँ से हैं? वाराणसी। वाराणसी से। तो बच्चा अभी कितनी उम्र का है? ये 4 साल का। 4 साल का है। तो आपको कैसे फर्स्ट डे पता चला कि बच्चे को CP प्रॉब्लम है? CP तो पता चल गया था लेकिन मतलब नहीं पता था कि CP होता क्या। मैं आपका वीडियो 2 साल का था ये। अच्छा। तब मैंने देखा था, 2 साल 9 महीने का था तब मैंने देखा था, तब समझ में आया कि CP है। तो पूरे आपने लक्षण देख लिए होंगे। हाँ, इसके में हो था लक्षण। हाँ। अब तो बहुत कम हो गया है। अच्छा। अभी ऐसा नहीं थी, ये लोगों को देख के बहुत डरता था। अच्छा। रोने लगता था, इसको बस गोद में लेना था हमको। अच्छा, ये सीधा लेटा रहता था या बैठता था? नहीं बैठता था, ये बैठता था। और अभी क्या प्रोग्रेस है? अभी ये तो खुद से उठ के खड़ा हो जाता है, आधे घंटे तक आराम से खड़ा रहेगा। अच्छा, आधे घंटे तक खड़ा। हाँ। अच्छा, एक कदम बढ़ाता है लेकिन अभी गिर जाता है, बोलता नहीं था। अच्छा। अब ये बोलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा, अभी देखिए एक्टिवनेस भी है। हाँ। अभी ऐसे जानता भी है। हाँ। सब कुछ है। उसको चलने की कोशिश करता है बहुत। हाँ। ज्यादा अब जो चलने ही वाला है, अभी 1 महीने लगे। ये देखिए ये माइक पे बोलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बोलेंगे आप, बड़ा पहले कुछ नहीं बोलता था, दीदी बोलने लगा है, माँ बोलने लगा है, पा बोलता है, बुआ बोलता है, लेकिन रेगुलर जैसे पूछेंगे अभी ना तो माँ बोल देगा। माँ बोलेगा जी। और समझता है सारी बातें? हाँ सारी बातें समझता है, लेकिन यहाँ पे आके ज्यादा माइंड आ गया है। माइंड आ गया। और अब जैसे बैठने का पहले जो बैलेंस था अब बैलेंस है, कितना अंतर लगता है? नहीं अब तो ज्यादा अच्छे से बैठता है, खुद उठ जाता है, खुद उठ जाता है। हाँ, बजरंग स्टाइल में बैठ जाता है। अच्छा। बस इसको चलना है। चल। और खाना नहीं खाता था, सब्जी नहीं खाता था ये। खाता नहीं था? नहीं। अच्छा। अब ये अच्छे से खा लेता है, सब्जी हुआ कुछ भी हुआ ये खा लेता है। ताकत अभी हाथ में बड़ी अच्छी ताकत है, ऐसे पकड़ के खींच लेता है। तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप पेरेंट्स को? बोले इसको बजरंग स्टाइल में बैठना है तो ये बजरंग स्टाइल में बैठ गए, बैठ के दिखा रहा है। अब अच्छा, आपने बोला है तो सुना है इसने। जैसे किसी चीज के लिए बोलो ये तुरंत करने के लिए कोशिश कर देता है। क्या बात है, क्या ये खड़ा भी हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा ये तो। हाँ अभी माइक को लेने के लिए लग रहा है। तो चलिए ये जैसे यहाँ ट्रीटमेंट होता है, क्या कितनी देर का रहता है? आप उसमें कितना उसमें सहायता करते हैं, क्या करते? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे का रहता है। बाकी का आप रूम पे जाके भी? हाँ, रूम पे जाके एक्सरसाइज करती हूँ, खड़ा कराती हूँ। अच्छा। कुछ सिखाती हूँ, जैसे कि कुछ पढ़ना उड़ना हुआ तो ये सब सिखाती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, एक बेटा है छोटा। अच्छा, तो अब ऐसे प्रोग्रेस दिखती है? अब देखने में इतना कोई ज्यादा अब नहीं दिखता, मतलब सामान्य सा महसूस होता है। तो आपको क्या होप है, कितने दिन हो गए यहाँ? 1 साल हो गए? नहीं, मेरे को अभी 6 महीने। 6 महीने ठीक है। मैंने ऑनलाइन भी लिया था।
ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन लिया था, इसका डरना और ना सब कुछ वही खत्म हो गया, निकल गया था, लेकिन खड़ा होना यहाँ सीखा है अच्छे से। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर हुआ इसका। हाँ अच्छा, ऑनलाइन तो इस तरीके से कि भाई कोई नहीं आ सके तो वो एक दिन का ऑनलाइन का भी हम परिचय देंगे आपको। तो ये ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर रेगुलर ट्रीटमेंट में इस बच्चे की प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मैं बच्चों को देखता हूँ बड़ी खुशी होती है। तो आपने वीडियो देख कर ही यहाँ आए थे? हाँ वीडियो देख कर मैं यहाँ आई थी। और भी लोगों से आपकी बात होती है तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का ट्रीटमेंट का आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी ऐसे माता पिता को, यहाँ पे जरूर आए, देखें, ऐसे बच्चे जरूर ठीक होते हैं यहाँ पर। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत आशीर्वाद है, बच्चे को ठीक हो जाएगा जल्दी। परिचय की श्रृंखला में एक और बच्ची हमारे साथ है, क्या नाम है बेटी का? रिंकू। रिंकू कहाँ से है? जालौर, राजस्थान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बेसरा राम। आप जालौर से आए हैं, तो कितने दिन हो गए बच्ची को ट्रीटमेंट? यहाँ पे डेढ़ महीना हो गया। डेढ़ महीना, तो डेढ़ महीना आपको हुआ है, उससे पहले आपको पहले कोई ट्रीटमेंट भी लिया होगा या पता चला होगा बच्ची सीपी है, कैसे पता चला? हमारे को एक साल की थी तभी मालूम हो गया था कि ये सीपी है। अच्छा। तो हमने मुंबई में करवाया था इलाज। अच्छा। ये चालू था, एक्टिविटी वगैरह सब चालू था। अच्छा। फिर बाद में मालूम पड़ा, आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा। अच्छा। तो मैं जयपुर आ गया। राजस्थान में है? राजस्थान में। बहुत अच्छा। तो आपने जैसे मुंबई में कितने साल ट्रीटमेंट? मैंने 3 महीने ही करवाया। 3 महीने? हाँ जी। अच्छा, कब लिया था वो? जब ही 1.5 साल की थी। 1.5 साल? हाँ। तो उस समय 1.5 साल की में क्या स्थिति थी, फिर क्या फ़ायदा हुआ? जब वो बैठती नहीं थी तभी बैठना सीख गई थी और घुटने पे चलने सीख गई थी उस समय। उस समय। फिर उसके बाद में? उसके बाद में फिर बाद में घर पे तक कंटिन्यू करवाते थे एक्टिविटी वगैरह। अच्छा लगा। तो अब जैसे आज की क्या स्थिति, यहाँ जैसे आए उस समय क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति? तभी खड़ी नहीं हो पाती थी, अभी खड़ी, खड़ी। हाँ अभी खड़ी होती है। अब खड़ी हो पाती। हाँ, और पहले पैर है ना क्रॉस था। अच्छा। अभी क्रॉस सीधा हो गया है। और समझदारी में? बहुत बढ़िया है। समझदार है? बहुत अच्छा। समझती है सारी बात? समझ समझ। बोलती भी है क्या? बोलती भी है, खाता खाना वाना सब टाइम पे खाती है। अच्छा है। अच्छा, तो नाम बता देगी फिर? तो क्या नाम है? रिंकू। रिंकू, अच्छा क्या पढ़ते हो तुम? कुछ पढ़ते हो क्या, पढ़ाई करते हो कुछ? अभी नहीं पढ़ते। अच्छा, तो रिंकू तुम खड़े हो जाते हो अपने आप? हैं, चल लेते हो? नहीं चल नहीं लेती हैं अभी, थोड़ा खड़ी रहती है। चलिए, तो अभी जैसे आपने पहले कोई ट्रीटमेंट लिए, आज जो अब ट्रीटमेंट है आपका, क्या नंबर देना चाहेंगे, क्या लें? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। कितने महीने हो गए? डेढ़ महीने। डेढ़ महीना हो गए। तो डेढ़ महीने का आपको प्रोग्रेस मतलब? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप पेरेंट्स को जैसे कहना चाहेंगे, अभी उम्र कितनी है बच्ची? इसकी 7 साल हो गई है। 7 साल? तो 7 साल की उम्र में एक ट्रीटमेंट का आपको क्या लगता है कि पहले आ जाते तो और बढ़िया था या आज 7 साल में? वो तो लगता ही है, लेकिन अभी क्या करें, अभी तो लेट हो गया। बीच में लॉकडाउन आ गया था, बीच में वीडियो देखा तभी तो थोड़ा लगा था। तभी बीच में लॉकडाउन था तो सब स्टेप बंद किया हुआ था ना, तो बाद हाँ, तो फिर बाद में बोला जब आगे आगे क्या देखेंगे, फिर बढ़ेंगे तो हो जाएंगे करके। तो यहाँ की स्थितियाँ और मैनेजमेंट ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया है। चलिए बहुत बढ़िया, बिटिया और ठीक हो जाएगी जल्दी। कितने एक दिन का आपका ट्रीटमेंट यहाँ चलने की संभावना है, क्या कुछ? मेरे को तो जब तक ये नॉर्मल होगी और अच्छा लगे तब तक करवाना है। चलिए देखिए, ये समर्पण भाव बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए होना चाहिए, और पेरेंट्स जब समर्पित होंगे और पेशेंस में रहेंगे तो बच्चे का ट्रीटमेंट होना ही होना है। और बच्ची जब भागेगी तो देखिए एक मन की खुशी उस दिन इनको मिलेगी, और अभी खड़ी हो रही है, बैठना एकदम आराम से सीख गई है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहें पेरेंट्स? नहीं बस, मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसे बच्चे रहे तो इधर लेके आए और 100% अच्छा लगेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।